अपनी घरवाली बोलूं चाहे लेके आ, नहीं नहीं लगे तो मारूं उसको। लालच नहीं कर, यहाँ कोई लालची नहीं है। पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली में शराब के ठेके खोलते हैं। जूता खोल के मारो, हम लोग वोट दिया है कि स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। हॉस्पिटल मांगे थे, स्कूल मांगे थे, कॉलेज मांगे थे, शराब के ठेके नहीं मांगे थे। तो केजरीवाल को क्यों नहीं जेल होनी चाहिए? वो भी तो नशा बांट रहे हैं, वो भी तो नशे के व्यापारी बन रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है लक्ष्मी नगर और पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कें जाम की जा रही हैं, क्योंकि शराब की जो दुकानें हैं उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। सर, ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? शराब के प्रति जो इन्होंने और नई ठेके खोल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा घर घर में जाके खोल रहे हैं, हर गलियों में जाके खोल रहे हैं मैडम जी। तो इसमें क्या है कि जो आदमी बच्चे पढ़ने वाले हैं पढ़ तो पाएंगे नहीं, शराब पियेंगे। महिलाओं के लिए और 30% और ऑफ कर दिया उन्होंने कि अब महिलाओं को क्या होगा कि महिला पहले दारू को ठेले बहुत ज़्यादा है और रेट बढ़े हुए हैं। तो आदमी बोलेगा पीने वाला मेरे जैसा, हम अपने पे ले लेते हैं कि घरवाली को मिलेगा धक्के मार जा, वहाँ 30% फ्री मिली है लेडीज़ के लिए, वहाँ लेके आओ, वहाँ लेके जाएगा घर में कले होगा। नौकरी की बात तो करी नहीं, इतने वादे की एक वादा नहीं किया उन्होंने, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा होगा शुरू से, ना गाड़ी लूँगा ना ये लूँगा ना तो आपकी रेड लाइट होगी, कुछ नहीं, सारे झूठ। और इन्होंने जो है जगह जगह जुमला देकर कि हाँ भाई बिजली फ्री, वो फ्री नहीं है, हजारों करोड़ रुपए उनका कर्जा चढ़ा हुआ है, DTC में भी, अरे ये आपका डेसू में भी, आपका पानी वाले में इतना कर्जा हो रखा है। ये अपनी खाली लालच देकर, यहाँ कोई लालची नहीं है, ये लालचन बना हुआ है। केजरीवाल नहीं, ये केजरीवाल है, पूरी दिल्ली में बवाल फैला रखे थे, पूरी दिल्ली में बवाल फैला रखा है, वोट बैंक का लालच है। अब देखे आप पंजाब में जा रहा है, पंजाब में लालच दे रहा है, कोई स्कूल नहीं खोला, पीछे गया था तो ये आपके हॉस्पिटल सब फंसे। आपके ठेके तो आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए खोले जा रहे हैं। नहीं नहीं, आर्थिक और काम कर लेना, बच्चों के स्कूल खोले, वहाँ अच्छे अच्छे चीजें पढ़ाई के लिए करवाए, उनको फ्री करे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बस में फ्री करे, और आदमी जो बुजुर्ग है सीनियर सिटीजन उनको फ्री करे। ये क्या महिलाओं कर दिया, वो फ्री करने क्या जो होता है, क्या बोल रहे हैं? किसी लेडीज को भी फ्री करने क्या जो होता है, क्या उनके घर वाले या कमाते नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास? आप चाहते पुरुषों के लिए भी फ्री हो, बस सीनियर सिटीजन अगर हो तो सबके लिए हो, समानता होनी चाहिए। जब बात आई है, हम भी यहीं से इसी राष्ट्र में रहते हैं, इसी राज्य के सदस्य हम, तो हम भी तो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। किस आधार पे किया गया? और पिंक वाइन शॉप खोलने का क्या मतलब है? पिंक वाइन शॉप का मतलब है कि घर की औरतें पिंक वाइन शॉप में बैठ के वहाँ पे शराब पिए। लेकिन सर, इसकी आजादी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना, महिलाओं को, पुरुषों को। दिल्ली का CM है, CM को दिल्ली का राजा कहा जाता है, CM के पास इतनी पावर है कि वो वहाँ पे दिल्ली में महिलाओं को बैठा के स्कूल के कॉलेजों के बच्चों को बैठने के लिए शराब पीने की जगह दे। दिल्ली के हमारे समाज खोले, दिल्ली के 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, क्या एक स्कूल खोला दिल्ली के अंदर? 200 कॉलेज खोलने का वादा किया था, क्या एक भी कॉलेज खोला? केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कहते हैं और दिल्ली में शराब के ठेके खोलते हैं। पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा करते हैं और दिल्ली में 7 साल से सरकार चली आ रही है, दिल्ली की महिलाओं को शराब पीने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर, दिल्ली के MCT चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना? दिल्ली में MCT में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव है, लेकिन आने वाले चुनाव के प्रचार के लिए जो विधायक के लिए प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं और भी गोवा के अंदर कर रहे हैं, वहाँ पे फ्री का वादा दे देंगे, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। केजरीवाल सिर्फ पोस्टर में दिखता है, केजरीवाल ने सिर्फ पोस्टर में दिखता है। जूता मारो, जूता खोल के मारो, जूता खोल के मारो, हम लोग वोट दिया है। 21 साल का बच्चा हड्डी मांसी शख्स नहीं होता, वो शराब पिलाएगा, वो भी माँ बाप का सामने बैठ के। मैडम जी, केजरीवाल ने केजरी बवाल है, ये पूरी दिल्ली में बवाल फैला रखा है। किसने कहा था कि स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, दिल्ली को ये पेरिस बनाऊंगा? पानी मिल नहीं रहा, स्वच्छ पानी में एक सड़क नहीं बनी दिल्ली में, जगह जगह चेपियां लगा के सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं सड़कों पे, खुद लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं पब्लिक, जो सेंट्रल विस्टा भी तो दिल्ली में बन रहा है ना? नहीं, PWD के अंडर में है दिल्ली की सड़कें, और PWD दिल्ली के उसमें सरकार के अंडर में है। नाले देखो, नालों की हालत, विकास मार्ग 2 साल से टूटा पड़ा, विकास मार्ग PWD काम कर रहे हैं, चल रहे
मीटिंगें कर लेते हैं चले जाते हैं, मीटिंगें करते हैं चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अब आगे आप लोग क्या करने वाले, सड़कें जाम करने से तो सॉल्यूशन नहीं है। बंद कराना दिल्ली के ठेकों को, बंद कराना हमारा सबसे पहला मकसद है। जो दिल्ली में शराब की दुकानें रिहायशी कॉलोनियों में, स्कूलों के, कॉलेजों के, मंदिरों के पास में जो खुली हुई है, उन सबको बंद, उन सबको बंद कराना। दिल्ली की शराब खोलनी है आपको मॉल के अंदर खोलो, शराब जो ऑथराइज कॉलोनी कमर्शियल है, क्या कहते रोड है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उनके अंदर शराब खोलो, ना कि गली गलियों में बच्चों के लिए, स्कूलों के पास में, मंदिरों के पास में। और क्या जरूरत और खोलने की, हम कह रहे हैं केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो और अच्छा काम करो ताकि पूरी पब्लिक नहीं जूता बाद में मारना। अगर शर्म नहीं करेगा तो नंगा हो जाएगा, अभी नंगा हो जाओ। ठीक है, प्राइवेट है ना, केवल नोट इकट्ठा करने के लिए और कोई नहीं। चल पहले भी रहे थे, कम भी चल रहे थे, लोग पीने वाले उससे पी रहे थे, तो ज्यादा खोलने की क्या जरूरत थी, उसमें भी काम चल रहा था। बस ये करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है दूसरे राज्यों पे लगाने के लिए। देखिए कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या शराब बंदी बंद होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा आप बताइए सर, आप डॉक्टर हैं, एज अ डॉक्टर आप बताइए कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए कि नहीं। जी देखिए, बात उपलब्धता की है, चीजें पहले भी थी लेकिन अब वो इजिली अवेलेबल हो जाएगी तो सब लोग उसे लेंगे। संस्कारों की बात है, एक तरफ हमारे मोदी जी ने जिन्होंने हमारी माताओं बहनों की बच्चियों की उम्र, शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी ताकि वे सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सके, इससे उनकी स्थिति बेटर हो सके हर तरीके से। और एक तरफ केजरीवाल जी जिन्होंने अपनी शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 वर्ष कर दी। 21 वर्ष वो आयु होती है जिसमें हर नवयुवती और नवयुवक अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। हमने हॉस्पिटल मांगे थे, स्कूल मांगे थे, कॉलेज मांगे थे, शराब के ठेके नहीं मांगे थे। 850 शराब के ठेके, सारे रूलों को जमीन पर रख दिया गया है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, शैक्षिक संस्थान हो, किसी चीज़ का देखा नहीं जा रहा है कि ठेके खोले जा रहे हैं। जो कमीशन था इनका, शराब के जो ठेकेदार हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, वो 2% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है। खेल ये बहुत पहले से चल रहा है, नया नहीं है। पहले इन ठेकों को आपने देखा होगा बंद कर दिया गया था, फिर ठेकों को बंद कर दिया गया था, उसके बाद इनको दोबारा रिन्यू, या जो शराब की नीति है दोबारा लाई गई है ताकि वो उनसे करोड़ों रुपये जो भ्रष्टाचार के रूप में लिया जा सके। केजरीवाल को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए जब एनसीबी उनको गिरफ्तार कर सकती है, आर्यन खान को और बाकी लोगों को जिन्होंने बॉम्बे के अंदर क्रूज शिप पे नशा बांटा था, तो केजरीवाल को क्यों नहीं जेल होनी चाहिए? वो भी तो नशा बांट रहे हैं, वो भी तो नशे के व्यापारी बन रहे हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर शराब खरीदें, तो इस शराब की राजधानी तो उसको बना दिया है और खुद शराब के सौदागर बने हुए हैं। ऐसा राजनीति में, दुनिया में शराब बंद हो गई, शराब बंद हो गई इस दुनिया में, शराब बंद हो गई या यही दिल्ली में चल रहा है या सिर्फ केजरीवाल? गुजरात और बिहार ड्राई स्टेट है लेकिन वहाँ पे लोग फिर भी शराब पीते हैं। देखिए ऐसा है, जो शराब पीने वाले थे वो तो पीते हैं, मैंने पहले आपको बताया, बात अवेलेबिलिटी की है। अगर कोई शुगर का मरीज है, वो परहेज करता है ना शुगर से, लेकिन उसके सामने मिठाई रख दो तो उसका मन करता है मिठाई खाए। और कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे ना, आप गली में, मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दोगे, एक छोटा बच्चा जब अपने गली के बाहर निकलेगा तो क्या देखेगा? शराब के ठेके, उसके बाल में उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम उसको क्या कैसे बताएंगे ये चीज गलत है? हम कैसे बताएंगे कि ये चीज गलत है? अरे 30% शराब खुलेगा, हिमायत कर रहे हो आप लोग, जैसे कि जाना मैं सर खुद शराब पीते हूँ। आप क्यों इतना गुस्से में? मैम देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि आप 30% शराब को डिस्काउंट दे रहे हैं महिलाओं के लिए, ये कितनी बुरी बात है। कल को जो शराब पीते हैं वो अपनी महिलाओं को भेजेंगे कि दारू लेकर आइए, अब वो दारू ले जाएंगे, उनको छेड़खानी होगी वहाँ पर और वारदातें बढ़ेंगी। और यहाँ खुराजी के पास, स्कूल के पास, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, वहाँ पर जो उन्होंने वाइन एंड बियर शॉप खोल दिया है, ये बहुत गलत बात है। हस्बैंड घर बैठेंगे, 30% दारू महिलाओं के लिए सस्ती है, मान लो मैंने पी नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, अपनी घरवाली बोलूँ चाहे लेके आ, नहीं लेने जाएगी तो मारूँ उसको। बिल्कुल जी, वो जब ये लेने जाएगी तो चार शराबी छेड़ेंगे उसको। ये वारदात जितनी बार है केजरीवाल जी, इसके लिए तो फिर आपको पीना बंद करना चाहिए ना। कौन पीना बंद करेगा? पुरुष लोगों को पीना बंद करना चाहिए। कोई पता है जब नशा छुड़ाया जाता है तो नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को डाला जाता है। नशा एक ऐसी आदत बन चुकी है जो लोगों की मजबूरी है। कुछ नशाखोर ऐसे हैं वो पीना नहीं चाहते लेकिन वो नहीं पीते ना तो कई बार उनको दिक्कत आ जाती है। आपने भी देखा होगा लोगों को नशा मुक्ति करने लिए, हम दो साल, मेरे खुद का भाई है, मैं अपने बताऊँ, मैंने अपने दो अपने भाई को, छोटे भाई को 2 साल नशा मुक्ति केंद्र में रखा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। जिस घर से जाता ना नशा मुक्ति केंद्र में उसको पता होता है
लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्कोहल जब हमारी नसों में घुल जाता है तो मजबूरी हो जाती है कि हम लोग नशा नहीं छोड़ पाते, वहाँ मजबूरी बन जाती है। वही बात जो आपको पहले बताई कि बात अवेबिलिटी की है, कोई शुगर का पेशेंट है वो परहेज करता है कि मैं ना खाऊं चीनी ना खाऊं मीठा, लेकिन उसके सामने रखते हैं, मेरे घर में ही है, हमारे बड़े पापा हैं उनके सामने मिठाई रख देते हैं तो चुपके से उठा ही लेते हैं। अब सामने ही शराब की दुकान होगी, जो छोड़ना भी चाह रहा है वो कैसे छोड़ेगा? महिलाओं को डिस्काउंट दे रहे हैं, 3-3 बजे तक ठेके खुलेंगे, कौन उनका सुरक्षा की गारंटी लेगा महिलाओं की? सर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ पे भी बच्चियों का रेप हो रहा है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ ये सब चीज़ें घटनाएं तो घटती रहती हैं कहीं पे, लेकिन आप वहाँ पे परसेंटेज देखिए कि परसेंटेज कितनी कम हो चुकी है। अब ये तो ऐसा है ना कि जो रेप करने वाले उनको आप शराब पी के सड़क पे छोड़ दीजिए, 3 बजे तक ठेके खुलेंगे तो जो ऐसे लोग हैं हाल उस टाइम पे तो वही लोग निकलेंगे ना जो असामाजिक तत्व हैं, और वो शराब पी के और निकलेंगे, उनको शराब और आपने दे दी हाथ में तो फिर वो और वर्स्ट ही होगी कंडीशन, कंडीशन जो है बुरी ही होनी है, उसमें सुधार क्या होगा? आपकी आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आप रात को रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, 3 बजे कोई शराब पी के आपसे बदतमीजी करने लगे, आपके साथ एक भाई है या दो हैं, वो 10 होंगे, आपकी भी गारंटी कौन लेगा सुरक्षा की? एक हर चीज़ सब चीज़ें हैं, शराब पहले भी थी, लेकिन एक तरीका है, एक कायदा है, समाज है, राजनीति में पहले राजनीति के शब्द का अर्थ होता था राज करने की नीति, लेकिन अब नीतियों का राज होगा जी, अब वो ये नीतियाँ वो बनेंगी जो पब्लिक बनाएगी, और उन्हीं नीतियों के हिसाब से जो हमारे समाज के अंदर ताने बाने में ठीक बैठेंगे उस वो नीतियाँ बनेंगी। ये थे दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब बंदी को लेके लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि शराब के ठेके जो हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि युवाओं को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देना चाहिए, ना कि शराब के ठेके। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।